हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब का क्लोन चैनल मिस्टर बॉट। आज के इस फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में हम जानेंगे फोटोशॉप की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक जिसे जो है आपको हर अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है यूज़ करनी ही चाहिए। फ्रेंड्स, ये ट्यूटोरियल जो है बिगनर्स के लिए है। अगर आप बिगनर हैं तो ये जो है जो टिप्स एंड ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। तो चलिए, ये सारी की सारी ट्रिक्स जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने दो फोटोज़ को ओपन किया हुआ है, ठीक है। अब मेरे को इस वाली फ़ोटो का जो कलर जो है मैच करवाना है इस वाली फ़ोटो के साथ, तो क्या करेंगे? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ़ोटो को उठा के उस फोटो के ऊपर रख देते हैं और उसके बाद उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके देखते हैं कि कहाँ से उनको अच्छा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। वो भी एक अच्छा टेक्निक है यूज़ करने के लिए, लेकिन आज हम प्रोफेशनल वे में थोड़ा सा देखेंगे कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो इस फोटो पे मैं चाहता हूँ कि इस कलर का जो मैच है इफ़ेक्ट जो है इस फोटो पे दिखे, बिना इस फोटो को इधर ड्रैग एंड ड्रॉप किए और बिना किसी ब्लेंडिंग ऑप्शन का यूज़ किए। तो देखते हैं कैसे करना है। आपको जाना है इमेज में, एडजस्टमेंट में जाना है और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा मैच कलर, इसके ऊपर जो है आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। अब इस विंडो में आपको यहाँ पर देखना है सोर्स। सोर्स क्या है अभी? नन। इस वाली फाइल का मेरा नेम है वुमेन्स ब्लैक लॉन्ग स्लीव्ड और इस वाली फाइल का नाम है वुमेन वियरिंग अ रेड ड्रेस, ठीक है। तो मेरे को रेड ड्रेस वाली का इफ़ेक्ट जो है इस फोटो पे चाहिए। तो देखिए वहाँ का जो डार्क इफेक्ट है यहाँ मेरे को देखने को मिला है और बाकी यहाँ पर जो है आप इसको न्यूट्रलाइज कर लीजिए और अपने हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट सेटिंग्स जो है कर लीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी फ़ोटो का इफेक्ट जो है एकदम चेंज हो चुका है, ठीक है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी टेक्निक है, कलर ग्रेडिंग में खास तौर पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन टेक्निक्स को। आप सभी यूज़ कीजिए और मेरे को नीचे कमेंट में बताना कि आपको कैसे कैसे इफेक्ट जो है देखने को मिले हैं। टिप नंबर टू, फ्रेंड्स आप सभी ने देखा होगा अगर आपको अपने फ़ोटो में स्काई का कलर रिप्लेस करना है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। लेकिन आज हम एकदम इजी मैनर में जानेंगे कैसे आप स्काई का कलर रिप्लेस कर सकते हैं एकदम एआई की तरह। आपको जैसे फ़ोन में इफेक्ट देखने को मिलता है ना फिल्टर का, वैसा इफेक्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कैसे करना है जानते हैं। सबसे पहले तो आपको लेयर की कॉपी कर लेनी है। मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया लेयर को। अब इसके ऊपर मेरे को यहाँ पर क्या करना है, इस जो यहाँ पर स्काई दिख रहा है मेरे को, इस स्काई का कलर जो है चेंज करना है, जो कि काफ़ी अच्छा लगना चाहिए इस फोटो पर। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या करना है। मैं यहाँ पे कोई भी सेपरेट लेयर में काम नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली फ़िल्टर जो है इस फ़ोटो के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसके लिए जाना है इमेज में, एडजस्टमेंट्स में जाना है और ह्यू सैचुरेशन पे क्लिक करना है। ये विंडो ओपन होने के बाद स्काई का कलर का जो आपको जो कलर ग्रेडिंग में ज़्यादातर देखने को मिलता है, बहुत सारे कलर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली स्काई का कलर एक होता है ब्लू, ठीक है, और दूसरा होता है सियान। तो यहाँ पे मैं सियान कलर जो है सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे सियान कलर सिलेक्ट करने के बाद मेरे को इसको एडजस्टमेंट करना है ह्यू में। अब मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ड्रैग करता हूँ थोड़ा सा और यहाँ पे देखिए स्काई का कलर चेंज हो चुका है और हमारी फ़ोटो पे कोई इफेक्ट भी इसका नहीं पड़ा है, जो मेन सब्जेक्ट है फ़ोटो का। सिर्फ हमने स्काई का कलर जो है इस छोटी सी टेक्निक से चेंज कर दिया है। आप जो है आप बिफ़ोर आफ्टर देख लीजिए, पहले फ़ोटो ऐसी थी, हमने जो है इस फ़ोटो का स्काई का कलर जो है इस टेक्निक से चेंज कर दिया है। आप सभी भी इस तरीके से किसी भी स्काई का कलर जो है चेंज कर सकते हैं। फोटोशॉप की टिप नंबर थ्री जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक इमेज है और हमारे पास यहाँ पर एक कपल है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये कपल जो है इस इमेज में लॉन्ग डिस्टेंस पे, यानी इस जगह पे दिखना चाहिए। अब जनरली होता क्या है, लोग जो है इस तरीके से कपल को उठाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे अपनी इमेज में और इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, कंट्रोल टी से शिफ्ट ऑल्ट किया और इसको छोटा कर दिया। अब ऐसा करने से दिखा तो देंगे कि कपल जो है काफ़ी दूर डिस्टेंस पर है, लेकिन फ्रेंड्स ये टेक्निक जो है ना एक बहुत अजीब सी टेक्निक है और आपको देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। इस तरीके से मैं दिखाऊंगा और ऐसे ही अगर कोई इमेज को देखेगा ना तो साफ समझ जाएगा कि हाँ भाई ये ऐसा नहीं है, इसको ज़बरदस्ती यहाँ रखा गया है, एक एडिटेड इमेज है, ठीक है। कोई भी देख के यही कहेगा,
अब हमें कैसे सेट करना है और कैसे दूर दिखाना है इस चीज़ को थोड़ा सा जानते हैं। मैं इस फाइल को डिलीट कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, मुझे इस इमेज में इस जगह दिखाना है कपल इस जगह पे है जहाँ पे डार्क शेडो ज़्यादा है। ठीक है, मैं डार्कन एरिया पे जूम करता हूँ। आपको भी उतना जूम कर लेना है जितना आपको उस कपल को दिखाना है। मुझे इस जगह एक कपल दिखाना है। अब मैं क्या करूँगा, कपल पे जाऊँगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मेरे को जो है यहीं पे इसको ट्रांसफॉर्म करना है, कंट्रोल टी शिफ्ट ऑल्ट, और अब मैं इसको छोटा करता हूँ। अब ऐसा करने से होगा क्या, आप खुद देख लीजिए आपको कितना अच्छा इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा। मैंने इसको कर दिया छोटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कपल जो है हमने यहाँ पे कर दिया सेट कि कपल यहाँ पे है। अब मैं इसको फिट टू स्क्रीन करता हूँ और आप खुद देखिए कि आप अच्छे से पता लगा पा रहे हैं, अच्छे से आपको यानी एक इमेज में आपको पता चल रहा है कि कपल वहाँ पे है। ठीक है, इस टेक्निक के थ्रू जो है आप किसी भी इमेज को यानी किसी भी सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को आप दूर डिस्टेंस पे दिखा सकते हैं और दिखने में आपको ओरिजिनल लगेगा। ठीक है, तो इस टेक्निक का यूज़ कीजिए और किसी भी इमेज को जो है आप लॉन्ग डिस्टेंस पे दिखा सकते हैं। टिप नंबर 4, अगर आप किसी भी लेयर पे अगर वर्क कर रहे हैं तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा अगर आप उस फोटो पे कोई भी फिल्टर अप्लाई करेंगे तो उसकी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक अलग से उसी यानी उसी फोटो पे एक अलग से लेयर बन जाएगी और सारा काम और जितने भी इफेक्ट है उसी के ऊपर अप्लाई हो गए। एग्जाम्पल के लिए ये एक फ़ोटो है, यहाँ पे देखिए इस फोटो का सब्जेक्ट मैंने अलग कर लिया है। अगर मेरे को इसको ब्लर करना है तो उसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे तरीके हैं ब्लर करने के। तो लोग क्या करेंगे, या तो इसी को डुप्लीकेट कर लेंगे सेम फोटो की लेयर को और उसके बाद जो है पहली वाली फ़ोटो को ब्लर कर देंगे और नीचे वाली फ़ोटो से उसको इरेज कर देंगे जिससे कि नीचे इमेज आपको सही दिखेगी और ब्लर भी हो जाएगा। लेकिन ये तरीका गलत है। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखिए, मैंने इसका सब्जेक्ट जो है अलग किया हुआ है, अब मुझे इसको ब्लर करना है। तो सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल जे से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद लोग क्या करते हैं, फिल्टर में जाते हैं, ठीक है, ब्लर में जाते हैं और यहाँ पे गुजाएं ब्लर जो है यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। जितना उनको ब्लर चाहिए उस हिसाब से जो है ब्लर कर लेते हैं। ब्लर करने के बाद क्या दिक्कत होती है फ्रेंड्स, इस चीज़ को देखते हैं। जैसे मान लो मैंने इस पे 135 136 का ब्लर दे दिया। ब्लर देने के बाद अब आपका क्लाइंट बोलता है कि नहीं, ये ब्लर बहुत ज़्यादा है, मेरे को ब्लर जो है इससे कम चाहिए। अब आप तो जब तक इस फाइल में करंटली है तो कंट्रोल जेड करके या और भी किसी टेक्निक से आप कर लेंगे, लेकिन फ्रेंड्स ये टेक्निक अच्छी नहीं है। अगर यहीं पे आपके पास लाइफ टाइम के लिए अगर आपको ऑप्शन चाहिए कि कभी भी आपको अपनी पीएचडी में सेम ब्लर ज़्यादा करना है कम करना है तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल जैसे एक कॉपी कर लेता हूँ लेयर की और इस पर राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा कन्वर्ट टू अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट, आपको इसको क्लिक करना है। अब आपकी जो लेयर है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गई है। अब आपको फिल्टर पे जाना है, ब्लर में जाना है और यहाँ पे आपको गुजाएं ब्लर जो है इस पर अप्लाई कर देना है। मैंने यहाँ पे ब्लर जो है अप्लाई कर दिया। अब आपका क्लाइंट बोलता है कि नहीं भाई, ये ब्लर बहुत ज़्यादा है, अब इसको कम करो। तब आपके पास ऑप्शन है, इस टाइम पहले क्या था, ऑप्शन नहीं था, लेकिन इस टाइम क्या आपके पास ऑप्शन है, आप सीधे इस पर क्लिक कीजिए, ब्लर को कम कर दीजिए, ठीक है, ओके कर दीजिए। अब आपका क्लाइंट बोलता नहीं मेरे को ब्लर अब थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हल्का सा क्लिक कीजिए और ब्लर हल्का सा बढ़ा के जो है ओके करके दे दीजिए। ठीक है, ये ऑप्शन जो है आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है। तो इसलिए कोई भी अगर आप काम करते हैं किसी भी इमेज पे, उसे अगर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है काम करने के लिए। तो इस ट्रिक का आप यूज़ कीजिए और काफ़ी अच्छी ट्रिक है ये सारी। इसका सारी जो ट्रिक मैं आपको आज बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सारी सारी वो ट्रिक है, अगर आप स्टार्टिंग में फ़ोटोशॉप में सीख लेते हैं तो काफ़ी अच्छी कमांड जो है आप सभी के हाथों में आ जाती है फ़ोटोशॉप की। टिप नंबर 5, अगर आप फ़ोटोशॉप में इरेजर टूल का यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स इस टूल का जो है यूज़ करना जो है आप एकदम बंद कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस टूल का कोई फ़ायदा नहीं है और प्रोफेशनल लोग जो है इस टूल का बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। मैजिक इरेजर और बैकग्राउंड इरेजर की एक अलग बात है, मैं यहाँ सिर्फ इरेजर टूल की बात कर रहा हूँ।
सपोज कीजिए आप इरेजर टूल यूज़ करते हैं, ठीक है, और आपका क्लाइंट बोलता है कि मेरे को इस करेक्टर का ये जो हाथ है ये नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे? सिंपली इरेजर टूल से इस करेक्टर के ऊपर जाएंगे और इसके हाथ को रिमूव कर देंगे, आपका काम हो गया। अब आपका क्लाइंट बोलता है नहीं यार ऐसे में ना ये बेकार लग रहा है और अब मेरे को जो है ना इसका हाथ चाहिए। तो फ्रेंड्स एक बार दो बार आप अंडो कर लेंगे लेकिन बार बार पॉसिबल नहीं है और एक लिमिट में ही है। अगर आपने इस फाइल को सेव करके रख लिया है फिर तो और दिक्कत। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम जो है मास्किंग का यूज़ करते हैं। तो देखिए मास्किंग से हम जो है कैसे इस चीज़ को वापस लाएंगे। तो मैं फ़िलहाल कंट्रोल जेड से अंडो कर लेता हूँ, ठीक है। अंडो करने के बाद इसका बैकग्राउंड मैं कर देता हूँ चेंज जो पहले था। अब आपका क्लाइंट बोलता है कि मेरे को इसका हाथ नहीं चाहिए, तो आप सिंपली इस लेयर को सिलेक्ट कीजिए और इस करेक्टर के हाथ को आप मास्क कर दीजिए। अब मास्क करने के बाद आपके यहाँ पे दो कलर दिखेंगे, ब्लैक एंड वाइट। बैकग्राउंड में आपको जो है वाइट कलर दिखेगा और फोरग्राउंड में आपको ब्लैक कलर दिखेगा। अब आपको यहाँ पे रहते हुए ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ब्रश टूल पे आप आ गए। ब्रश टूल के आने के बाद क्लाइंट ने बोला कि मेरे को इसके हाथ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। ब्लैक कलर अगर आपका सिलेक्ट है तो ये चीज़ जो है रिमूव करता है, आपने रिमूव किया, ठीक है, और ये फाइल जो है अपने क्लाइंट को दे दी। अब आपका क्लाइंट बोलता है कि नहीं भाई मेरे को इसका हाथ भी चाहिए। अब पहले क्या था, हमने इरेजर टूल यूज़ किया था, वहाँ से हमें प्रॉब्लम हो रही थी फाइल की इन्फॉर्मेशन वापस रिकवर करने में, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मास्किंग का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब मास्किंग में आपको क्या करना है, बस कलर को स्वैप करना है। एक्स दबा के मैंने कलर स्विच कर लिया है, ऊपर पहले ब्लैक था अब वाइट है, ठीक है। अब वाइट कलर में इस जगह जाके अप्लाई करूँगा तो देखिए हाथ इसका वापस आ जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन इस फाइल में लाइफ टाइम रहने वाली है अगर आप इसको PSD में सेव करते हैं। आपको लाइफ टाइम में कभी भी इस तरीके की ज़रूरत पड़े तो आप चेंजेस कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी टेक्निक है और आज से ही इरेजर टूल का यूज़ करना आप सभी बंद कर दीजिए। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो जो है ज़रूर पसंद आया होगा। इन सभी टेक्निक को आप सभी अपने डेली लाइफ में जो है इम्प्लीमेंट कीजिए और अपने फोटोशॉप को और भी ज़्यादा बेहतर कीजिए। इन सभी टेक्निक में से आप सभी को फोटोशॉप की कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अभी तक आप सभी ने मेरे को इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स जो है मैं आप सभी के लिए लेके आता रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, मैं आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।